नमस्कार, नीतू के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फटाफट बनने वाला एक ऐसा अचार लेके आई हूँ जो आप तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। तो जिसके लिए लगेगा, देखिए 50 ग्राम मैं अमचूर ली हूँ, 250 ग्राम हरी मिर्च को पीस ली हूँ मिक्सी में, और 250 ग्राम अदरक है, इसको कीसा हुआ है, ये इसको मैं पीसी नहीं हूँ, और 200 ग्राम नींबू का रस ली हूँ, और 250 ग्राम लहसुन, इसको भी मिक्सी में पीस ली हूँ छिलका निकाल के, और 250 ग्राम सरसों का तेल है, इसको गर्म करके ठंडा कर ली हूँ, और नमक स्वाद अनुसार, और एक छोटा चम्मच अजवाइन और एक छोटा चम्मच करैत। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, एक बाउल में आप सब सारे जितने सारी मैं अदरक लहसुन सबको छील के पीस के रखी हूँ उसको आप मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लहसुन को डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मैं आपको बता रही हूँ कूचा अचार जिसको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चटनी वटनी पीसने का मन ना हो तो आप इसको डेली यूज़ में यूज़ कर सकती हैं। अदरक सब मेरा 250 ग्राम है, एकदम एक नाप पे, सिर्फ नमक और अजवाइन और करैत, उसका कोई नाप नहीं है, आप उसको अपने अनुसार डाल सकते हैं। हरी मिर्च अमचूर का पाउडर, ये 50 ग्राम ली हूँ मैं, इसको थोड़ा मिला लीजिए अच्छे से, और इसी समय नींबू को डाल दीजिए, और आप अगर चाहते हैं इसको धूप में रखना तो धूप में दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक भी पानी का अंश नहीं है। कोई भी अचार का वो नियम होता है ना, अगर इसमें पानी चला जाए तो वो चीज़ ख़राब हो जाता है, तो वैसा मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं अदरक को धो के अच्छे से धूप में रख दी थी ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए, और लहसुन को कढ़ाई में दे के इसका छिलका निकाली हूँ, कढ़ाई में भून दी हूँ जिससे छिलका आराम से निकल जाता है, और हरी मिर्च को धो के पोंछ ली हूँ टावल में, और उसके उसको मिक्सी में चला दी हूँ, और ये 250 ग्राम तेल, इसको गर्म करके मैं ठंडा कर ली हूँ। ये फटाफट बन जाएगा, आप सारा चीज़ एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद इसको बना लीजिए, और बनाइए और आराम से खाना चालू कर दीजिए। इसमें नमक डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक लगेगा, तो अपने अंदाज से आप इसमें नमक डालिए, थोड़ा पहले टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगेगा तो फिर और मिला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो मज़ेदार सा नहीं होगा। काला जीरा डाल देते हैं, अजवाइन को डाल देते हैं, तो बस देखिए इंस्टेंट कूचा अचार रेडी है, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ इसको खाइए, या बच्चों को टिफिन में भी आप इसको दे सकते हैं, आप इसको पूड़ी के साथ, गरम गरम पूड़ी, रोटी, पराठा, जिसके साथ खाना चाहे, चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा बनता है ये अचार। तो बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब तो अब करेंगे ही। देखिए मैं कितना जल्दी से फटाफट बनने वाला एक अच्छा सा अचार आपको बता दी हूँ। चलिए अब इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो बनाइए फटाफट और सबको इसको मज़े से खाइए। देखिए मैं कुछ कुछ मिर्ची को खड़ा खड़ा भी छोड़े, जैसे जिसको काट के खाने का इच्छा हो तो वो इस टाइप से काट के खा सकते हैं। तो बस फटाफट बनाइएगा, ज़रूर बना के मेरे को कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी पूरी फैमिली में, कमेंट तो आप मेरे को करेंगे ही। बस बन गया कूचा अचार, तो इसको बनाइए और पूरी फैमिली के साथ इसको इंजॉय कीजिए, और मेरे को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप मेरे को करेंगे ही।